हेलो एवरीवन, मैं आपको रीता आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने आर्यन एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑन बैक प्रेस मेथड में इंडस्ट्रियल एड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में इंप्लीमेंट करना काफी ईजी है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मोबाइल ऐप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसलिए स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने प्रोजेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम एंटर करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ, इंडस्ट्रियल एड्स ऑन बैक प्रेस। एंड यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो लोडिंग प्रोजेक्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेडल सिंक फिनिश इन 15 सेकेंड। अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, तो अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में आके ग्रेडल स्क्रिप्ट ऑप्शन में आना है एंड इसको ओपन करना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको इसमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने डिपेंडेंसी का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर हमें डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। इसलिए हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना होगा। जैसे हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपके सामने गूगल सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो गूगल सर्च में आपको टाइप करना है इंडस्ट्रियल एड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ इंडस्ट्रियल एड्स। जैसे हम इंडस्ट्रियल एड्स सर्च कर देते हैं तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है इंडस्ट्रियल एड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो गूगल एडमॉप का होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो गाइड्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा गेट स्टार्टेड, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं तो गूगल एडमॉप का गेट स्टार्टेड का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें इसे नीचे अभी स्क्रॉल करना है एंड इस डिपेंडेंसी को हमें कॉपी करना है। तो मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके डिपेंडेंसी में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा। अभी आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना होगा एंड जो आपको मेटा डेटा दिखाई दे रहा है हमें इसको कॉपी करना होगा। मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल एंड सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। एंड जो आपको मैनिफेस्ट फाइल दिखाई दे रहा है ऊपर, आपको इसको ओपन करना होगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे जो आपको एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके बीच में हमें मेटा डेटा को पेस्ट करना होगा। तो मैंने मेटा डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे जो XX एंड YY दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ऐप आईडी को फिलअप करना होगा। तो मैं अगेन ब्राउजर में चला जाता हूँ एंड जो यहाँ पे सैम्पल एडमॉप ऐप आईडी है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल एंड सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में। तो मैं इसको अभी सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इन दो प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमने इस पेज को अभी क्लोज कर दिया है। तो अभी हमारा बिल्ड सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ एंड एक्टिविटी मेन में चला जाता हूँ। जैसे हम एक्टिविटी मेन में चले जाते हैं तो यहाँ पे जो स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड जो डिफॉल्ट लेआउट है कंस्टिट्यूएंट लेआउट, मैं इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो रिलेटिव लेआउट में यहाँ पे चेंज हो चुका। मैं इस टेक्स्ट व्यू को बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड हेलो वर्ड की जगह मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी एंटर कर देता हूँ।
एंड इस फर्स्ट एक्टिविटी जो बटन दिखाई दे रहा है इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, तो सेंटर इन पेरेंट कर देता हूँ, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो आप देख सकते हो जो हमारा बटन था वो अभी सेंटर में आ चुका है। अभी हमें इस बटन पे ऑन क्लिक एंटर करना होगा। मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देता हूँ एंड बटन वन लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का साइन आ चुका है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, जो आपको बल्ब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है क्रिएट बटन। अगर सपोज आपके पास ये बल्ब का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अल्ट एंटर भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट बटन इन मेन एक्टिविटी क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑन क्लिक का ऑप्शन आ चुका है। अभी हमें यहाँ पे जाना है इन डॉट हमारे पैकेज नेम में एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड नीचे जो एक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी टू का नेम आ चुका। तो मेन एक्टिविटी में 5 कर देता हूँ एंड फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने मेन एक्टिविटी 5 को फिनिश कर दिया तो ग्रेडर बिल्ड अभी अगेन स्टार्ट हो चुका है। अभी ग्रेडर बिल्ड फिनिश हो चुका है। मैं मेन एक्टिविटी में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इंटेंट पास कर देता हूँ। इंटेंट पास करने के लिए सबसे पहले आपको इंटेंट लिखना होगा। इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस। एंड जो हमने इस एक्टिविटी का नेम लिखे थे मेन एक्टिविटी 5, आपको यहाँ पे एंटर करना होगा मेन एक्टिविटी 5 डॉट क्लास एंड स्टार्ट एक्टिविटी पे आपको यहाँ पे लिखना है। स्टार्ट एक्टिविटी से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड जो इंटेंट यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ इंटेंट। अभी हमारा एक्टिविटी का काम हो चुका है। जैसे हम फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो हम सेकेंड एक्टिविटी में चले जाएंगे। सेकेंड एक्टिविटी भी मैं सेम कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड इसमें पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में चेंज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी में लिख देता हूँ एंड हमें ऑन क्लिक की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ ऑन क्लिक को। अभी हमारा कंप्लीट वर्क हो चुका है। अभी हम ऑन बैक प्रेस पे हम वर्क करने वाले हैं एंड इंडस्ट्रियल ऐड पे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा एंड ब्राउजर में जाके जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रियल, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्रियल का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे आना होगा जावा पे एंड यहाँ से इस प्राइवेट इंडस्ट्रियल एड्स एम इंडस्ट्रियल एड्स को कॉपी करना होगा एंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे यहाँ पे प्रेस करना होगा। जैसे हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते तो यहाँ पे एरर शो होगा। अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा एंड यहाँ से इसको कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से एंड ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। अगेन हमें ब्राउजर में जाना होगा एंड जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफ एल्स, इसको हमें कॉपी करना होगा यहाँ तक कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके आपको यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट के बीच में ऑन बैक प्रेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं कंट्रोल ओ कर देता हूँ एंड ऑन बैक प्रेस मेथड सबसे पहले इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे हम ऑन बैक प्रेस इंटर कर देते हैं तो आपको जो सुपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसको हम कट कर देते हैं एंड जो हमने यहाँ से इसको कॉपी किए थे इस प्रोजेक्ट में ऑन बैक प्रेस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हमारा अभी कम्प्लीटली वर्क हो चुका है बट यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहे हैं तो हमें अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास करना होगा। तो मैं ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है यहाँ पे अल्ट एंटर पेस्ट कर देता हूँ, हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। सेम यहाँ पे भी अल्ट एंटर यहाँ पे भी सॉल्व हो चुका है। मोबाइल एड्स में भी अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास आपको एंटर करना होगा
एंड लॉक पे भी सेम अल्ट एंटर। तो आप देख सकते हो जो भी हमारे एरर थे कंप्लीटली अभी रिजॉल्व हो चुके एंड अभी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हम फर्स्ट एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होके मेन एक्टिविटी 5 में चला जाएगा, यानी कि सेकेंड एक्टिविटी। एंड जैसे हम ऑन बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड शो हो जाएगी। तो चलो अभी मैं आपको मोबाइल डिवाइस में इसको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं इसको अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड अभी ऐप इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमारे मोबाइल डिवाइस में मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुल देखते ही हमारे मोबाइल डिवाइस में इंडस्ट्रियल ऐड ऑन बैक प्रेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है एंड इस ऐप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने एक्टिविटी मेन में क्रिएट की थी, जैसे हम इस पर क्लिक कर देते फर्स्ट एक्टिविटी में तो आपके सामने सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो चुके हैं। जैसे हम इस पे ऑन बैक प्रेस करते हैं तो आपके सामने इंडस्ट्रियल एड्स ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्रियल एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल एड्स को ऑन बैक प्रेस मेथड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।